गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिए हैं ये ब्रेस्ट है, जो तकरीबन हाफ केजी है, जिसको हमने टुकड़ों में वहीं कटवा लिया था। सॉरी, मैं आपको काट के नहीं दिखा पा रही हूँ। इस टुकड़े में इतने थोड़े मोटे इंच का टुकड़ा आपको काट लेना है और अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लिया है और पानी इसका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। हमने लिया है 3/4 बेसन चने का है, वहीं 2 स्पून चावल का आटा लिए हैं। चावल का आटा क्रिस्पी बनाती है। अगर आप चावल का आटा यहाँ नहीं डालना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। कितना? 2 चम्मच। चलिए बात करें मसाले की। हमने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको बारीक काट लिए हैं। वहीं 2 हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक पेस्ट बना लिया, आप यहाँ काट के डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन का दोनों का मिक्सअप पेस्ट है, यानी 1 चम्मच अगर अदरक है तो 1 चम्मच वहीं लहसुन का पेस्ट लिया, यानी 6-7 कलियाँ लहसुन का पेस्ट है और 1 से 1.5 बड़े इंच अदरक का टुकड़ा है, हमने इसको पेस्ट बना लिया है। बात करें ड्राई मसाले की, तो 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और 1/2 स्पून ब्लैक साल्ट दिए हैं, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर और कश्मीरी दोनों लिए हैं मिक्स करके, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं, ये भुना जीरा लिए हैं 1 स्पून, कसूरी मेथी लिए हैं 1 बड़े स्पून, चाट मसाला 1/2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, गरम मसाले 1/2 स्पून और चाहिए ये लेमन। लेमन कितना? इसका जूस तकरीबन 1 स्पून आपको डालना है, 1 चम्मच। और हम यहाँ 1 अंडे डालेंगे, जिसका हम योग जो है हटा के डालेंगे, पीली वाली हटा के, इसलिए क्योंकि अगर पीली वाली डालते हैं तो काफ़ी स्टिकी हो जाएगी, अच्छा नहीं बनता है पकौड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब इसको सभी मसाले यहाँ डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, काला नमक ज़रूर डालिएगा, टेस्ट अच्छा है, और जाएगी प्लेन नमक, ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, प्याज, लाल मिर्च, भुना जीरा, कसूरी मेथी, सॉरी बताना भूल गई थी मैं, यहाँ धनिया का पत्ता भी काट के डाल रहे हैं, ढेर सारे डाल सकते हैं कोई बात नहीं। और अब हम इसमें बेसन डालेंगे, 3 बड़े चम्मच बेसन और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, और जाएगी लेमन का जूस 1/2। चलिए हम यहाँ अंडे तोड़ के डाल रहे हैं, पीली वाली भाग को हटा रहे हैं, कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं। चलिए अब सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पानी आपको नहीं डालना है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लेमन जूस भी डाला है और अंडे का भी डाला है सफ़ेद वाली भाग। सभी को मिक्स कर लेते हैं। सभी को हम यहाँ मिक्स कर दिए हैं। अब इसको 1/2 घंटा के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट इसलिए जो अंडा है उसमें और लेमन का जूस जो है इसमें पूरे अच्छी तरीके से उसका रस जो है समा जाए। चलिए अगर आपको बहुत जल्दी है, 1/2 घंटे नहीं, कम से कम मैक्सिमम 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तो छोड़ दें रेस्ट पे। चलिए 1/2 घंटे हो चुके हैं, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। एक बात बताना भूल गई कि अगर आप 1/2 घंटे 1 घंटे के लिए रखते हैं तो अंडा जो है सबसे लास्ट में मिलाइएगा। अगर आप 10-15 मिनट के लिए रखते हैं मैरिनेट करके तो कोई बात नहीं, तभी मिला सकते हैं। हमने लिया है फ्राई पैन, अब हम इसमें डालेंगे तेल सफिशियंट ताकि हम जिस तरह पकौड़े तल सकें।
लो टू मीडियम रखें, यानी मीडियम ही रखें। अब हम तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक डाल के देखते हैं। तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ी गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुकी है, अब हम एक एक करके जो मैरिनेट करके चिकन रखे हैं ना, वो हम यहाँ डाल देंगे। अभी मीडियम ही रखें और इसे पकौड़े डालने के बाद इसे पकने दें अपने तरीके से, इसे अभी टच नहीं करें। थोड़ी देर पक जाएगी तभी हम पलटेंगे। जब वन साइड हो जाए तब इसको उसको पलट दें। अभी को हम पलट दिए, अब कश्मीरी मिर्च का कलर जो है उभर के अब आया तल एक बार पलटने के बाद। चलिए इसी तरह हम इसे पकने तक पकाएंगे। चलिए सभी पकौड़े तैयार हो चुकी है, इसको तेल से साइड से निकालते हुए तेल हम इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। चलिए इसी तरह सेकंड बैच हम तैयार कर लेते हैं। बाय चांस आपको अगर आपसे थोड़ी सी जूसी हो जाए, पानी की मात्रा लगे, तो आप फिर से थोड़ी सी बेसन और चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए ये भी हो चुकी है, इसको भी पलट देते हैं। जब डालें थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें, इसको भी पकने तक पकाएंगे। सभी पक चुके हैं, अब हम इसे भी इसको साइड में तेल निकालते हुए इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए गैस को करते हैं ऑफ और इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है, आप इसे मनपसंद हरी चटनी सॉस चाय के साथ खा सकते हैं। चलिए एक आप तोड़ के दिखाते हैं कि पकी हुई है कि नहीं। देख पा रहे हैं आप कितनी बिल्कुल इजली पक चुकी है, और खा के देखते हैं। काफ़ी टेस्टी है, चटनी के साथ और टेस्टी लगेगी। यम्मी है और बहुत आसान है बनाना, तो आप इसी तरह बनाइए और इसे स्नैक्स के रूप में खाइए अपनी फैमिली के साथ। चलिए और इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।